अब उतरती मैंने दो बंदों को नोक कर दिया था अब इसके बाद मैं फटाफट यहां से एम सेवन उठाता हूं और सीधा इस वाले स्कोर पे रस कर देता हूं अब सबसे पहले मैं इस नोक वाले बंदे को फिनिश करता हूं एंड देन इसके बाद तभी मेरे को लेफ्ट साइड बंदे के पैरों की आवाज आती है अब इसको नोक करती, एक जो नोक बंदा था वो नीचे चला गया था तो मैं जैसे उसको फिनिश करता बैठा था अब जो भी था इस वाले स्कूट के तीन बंदों को मैंने मार दिया था और अब बचा था सिर्फ लास्ट वाला बंदा अब जैसे मैं उसको मारने था तभी मेरे को लेफ्ट से उसके पैरों की आवाज आती है एंड मेरे भाई इसी के साथ हो जाती है ये जिनको मारने के बाद मैं जाता हूं स्कूल अपार्टमेंट की तरफ क्योंकि उधर से काफी ज्यादा फायरिंग हो रही थी और मैं जैसे ही उधर आता हूं तभी एक रियल बंदा एक बोट को मारने जा रहा था अब रियल बंदे को मैं नोक करने के बाद करता हूं बोट को नोक अब इन दोनों को नोक करने के बाद मैं जैसी अपार्टमेंट्स की तरफ आगे बढ़ा था तभी मेरे को सामने वाली बिल्डिंग में दो बंदे दिखाई देते हैं खैर उनको मैं इग्नोर करता हूं बिकॉज ये टाइम था रोटेशन का और यहां पर मेरे जितने भी किलते हैं मैं उन सभी को कन्फर्म करता हूं अब इसके बाद में जैसी इस वाली बिल्डिंग में आता हूं तभी ऑलरेडी इस वाली स्कोड का एक बंदा यहां पे आ चुका था और अब आपको देखने को मिलेगा कि एक बोट किस तरीके से पूरी स्कोर्ड को वाइप करवा सकता है अब इस वाले बंदे को जैसे ही मेरे पैरों की आवाज आती है तो ये नीचे कूद जाता है और तभी लेफ्ट में एक बोट आ जाता है तो इस वाले स्कोर्ड के बंदे को लगता है कि वो बोट मैं ही हूं और ये जैसे उसको मारने ओपन में जाता है भाई साहब मैं इसको नोक कर देता हूं और साथ ही साथ इसके बोट का किल भी चुरा लेता हूं अब ये नोकता तो इसके टीममेट्स भाई आंख बंद करके इसको रिवाइव देने आते हैं उनको लगा था कि मैं सामने वाली बिल्डिंग में हूं ये बंदा ओपन में खड़ा होकर स्मोक कर रहा था पता नहीं क्यों और नसेडी ऑफ द ईयर का वोट जाता है इस वाले स्कोर के लास्ट वाले बंदे को भाई साहब को पता ही नहीं है कि करना क्या है खैर जो भी था अब ये तीनों बंदे मेरे को काफी ज्यादा अच्छी खासी लूट दे जाते हैं अब इनकी क्रेट्स लूटने के बाद जैसे जैसी धर से जा रहा था तभी मेरे को सामने की तरफ एक यूएस दिखाई देती है सामने वाले स्कोर्ट के बंदों को मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था अब जो भी था अब इसके बाद मैं फ्लैंक करता हूँ और जैसे ही मैं फ्लैंक करके इधर आता हूँ ये बंदे यहाँ से भाग लेते हैं अब इन बंदों को जाते जाते भी मैं बहुत सारा डैमेज प्लस हेडशॉट शॉट चेप देता हूँ और इसके बाद मैं व्हीकल ढूंढते ढूंढते आ जाता हूँ रोजोक अब मैं जैसे ही रोजोक आता हूँ तो एक थी सामने वाले हिल पर और एक थी मेरे ठीक सामने वाले घर में अब मैं जैसे यहाँ पे लेटता हूँ तभी वो पहाड़ वाले स्कोर्ट के बंदे मेरे को स्पोर्ट कर लेते हैं और अच्छा खासा डैमेज दे देते हैं अब जैसे ही मैं कवर में आके अपने आप को हील कर रहा था तभी सामने से एक बोट आ जाता है अब मुझे नहीं पता ये बोट ऐसे टाइम पे क्यों आते हैं फिलहाल जो भी था अब मेरी पोजीशन रिवील हो चुकी थी तो मैं फटाफट यार अपनी पोजिशन चेंज करता हूं हील करने के बाद और आ जाता हूं इस वाले घर पे और मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था और इतने में वो जो पहाड़ वाली स्कोर्ट थी उसने साउंड वाली स्कोर्ट पर रस कर दिया था अब यहां पे खड़े होकर मैं वेट कर रहा था एक अच्छे खासे थर्ड पार्टी मूवमेंट का जो कि यार मेरे को थोड़ी देर में ही मिल जाता है ये बंदा में था छत तो पेट पे कि का लास्ट वाला बंदा था स्कोर्ट वाइप हो जाती है एंड तभी दूसरी स्कोर्ट का ये बंदा पता नहीं ओपन में क्या करने आ रहा था अब जो भी था मैं सामने की तरफ घरों में नेट कर रहा था और तभी दूसरी वाली स्कोर्ट का लास्ट वाला बंदा आता है अब ये बेचारा जैसी बग्गी ला रोकता है मैं इसको तुरंत मार देता एंड पे जो दोनों दोनों थी मैंने इन दोनों को मार दिया था तो अगर आप अभी तक गेम प्ले देख रहे हो और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो जल्दी से उस लाइक वाले बटन को दबा दो और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर देना अब इसके बाद मैं आता हूँ उन्हीं बंदों के पास जिनको यार मैंने जाते जाते भी हैड सोट चेपाता अब मैं इनसे लड़ने आया था लेकिन तभी मेरे पीछे एक बग्गी वाला बंदा पड़ जाता है और देखो मैं इसको क्या ही दिमाग लगा के मारूंगा अब सबसे पहले मैंने अपनी बग्गी को कवर में रोका और ये बंदा रुक जाता है सामने वाली सेक पे और ओपन में लेट जाता है अब इसको लगा था कि मैंने मैंने इसको इसको सपोर्ट नहीं किया लेकिन मेरे भाई सपोर्ट कर लिया था और जैसे ही ये बग्गी में बैठता है वहां पे मैंने अपना पहले से एम ले रखा था और जैसे ये बैठा भाई साहब खैर अब इसके बाद बारी थी उसी यूएस वाले बंदे को मारने की बिकॉज आज इसको मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता अब इसको मैंने काफी ज्यादा अच्छा खासा डैमेज दे दिया था और लो मेरे भाई कर दिया मैंने नोक अब नोक करते ही, मैं इस पे तुरंत रस कर देता हूं जैसी मैंने इसको फिनिश किया इसका टीममेट भाई साइड वाली बिल्डिंग्स की छत पे लेटा था जिसको दूर से एक बंदा नोक कर देता है और उस बंदे का किल मैं चुरा लेता हूं जिस भी बंदे का मैंने किल चुराया भाई उससे मैं सॉरी बोलना चाहता हूं मतलब गेम प्ले बनाने के चक्कर में ऐसे छोटे मोटे चीजें करनी पड़ती है जो भी था, अब मैं उस बंदे को सपोर्ट कर रहा था जिसने इस वाली के बंदे को नोक किया था और इतने में एक दूसरी स्कोर्ड का बंदा आ जाता है एडब्ल्यू एम लेके बता रहा इस बंदे का काम तमाम मैं यहीं पे कर देता लेकिन भाई इसकी किस्मत थी जो ये बाइक का कवर लेके बैठा था अब जो भी था अब इसके बाद मैं एक राइट से फ्लैंक करता हूं और यहां पे आके देखता हूं तो ये बंदा भाई समझदार रहता है ये यहां से भी हट जाता है ये बंदा जोन से बाहर हो चुका था और उसको कैसे भी करके जोन में आना था तो ये क्या करता है कि सामने वाली वोल से पूरा राइट से फ्लैंक करके जोन में आने की कोशिश करता है लेकिन इतने में मैं इसकी चाल समझ जाता हूं और मैं भी पूरा लेफ्ट से जाने लगता हूं और जैसी लेफ्ट में आता हूं तभी बेचारे को जोन में आने से पहले ही मार देता हूँ और यही वो मोमेंट है जब मेरा फ्रेंड मेरे को स्पेक्टेट करता है और उसको ओल पे एक ही चीज सुनाई देती है कि भाई ये जो एमजीसी मास्टर है ये है करे इसको रिपोर्ट करो जो भी मेरे हाथों मर रहा था ना भाई ये उन सभी से मेरे को रिपोर्ट करा रहे थे अब उन बंदों की भी कोई गलती नहीं थी बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मार रहा था इस वाले मैच में अभी मैं आगे जाके एक ऐसा किल करूंगा जिसके बाद तो आपको भी शक हो जाता खैर अब इसके बाद मैं इधर से जा ही रहा था और तभी मेरे को सामने एक डांसिया वाला बंदा दिखता है अब इस वाले बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया था अब ये बंदा एक रोटेशन लेता है और मेरे पीछे आके रुक जाता है तो ये टाइम था यहां से निकलने का बिकॉज अगर मैं पे रुकता तो ये मेरे को मार देता अब इसके बाद मैं एक हल्की सी लेफ्ट से रोटेशन देता हूं एंड देखो अब एक कमाल का ए एम का हेडसोट अब इस बंदे के पास भी शायद स्नाइपर थी क्योंकि इसने मेरे पे स्कोप ले रखा था अब यहां पर मेरे 25 किल्स हो चुके थे और मेरे अलावा दो बंदे और बचे थे जोन में अब मैं यहां से जैसे ही जा रहा था तभी मेरे को नीचे वाले घरों पर गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है तो मैं समझ जाता हूं कि वहां पे होना हो बंदा जरूर है अब इस बंदे को मैं जिस तरीके से मारूंगा और अगर आप मेरे मैच में होते तो भाई पक्का रिपोर्ट कर देते बस देखते जाओ अब मैं यहाँ पे देख ही आता हूं तभी मेरे को अंदर वाले रूम में ये हल्का सा दिखाई देता है और उस हल्के से गैप के थ्रू भाई मैं इसको मार देता हूँ किल्स और अब बची थी वन वन वे की सिचुएशन अब भाई इतना बड़ा जोन और एक बंदे को ढूंढना था तो मैं पूरे जोन में एक चक्कर लगाता हूं और घूम फिर के जैसे यहां पे वापिस आता हूं तभी मेरे को लास्ट वाला बंदा भी दिख जाता है अब मैंने सोच रहा था इस वाले बंदे को मैं से मारूंगा और यहां पे यार मैंने इसको एक बॉडी शॉट शेप दिया था अब इस बंदे ने कवर ले लिया था तो मैं इसको कवर से बाहर लाने के लेफ्ट में ग्रेनेड करता हूं भाई साहब ये बंदा राइट में आता है और मैं इसको अगेन बॉडी शॉट मारता हूं एंड हो जाता है यार अपना विनर विनर चिकन डिनर तो गाइस कैसे लगा यार आपको आज का ये वाला सत्ताईस किल का गेम प्ले सोलो सोलर्स कोर्ड में मैं उम्मीद करता हूं यार आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा अच्छा लगाओ हो तो यार लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे कर देना एंड गिव में पार्टिसिपेट कर लेना और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्योंकि वहां पर यार मैं काफी ज्यादा मस्त मस्त चीजें डालता रहता हूँ स्टोरी वगैरह डालता रहता हूं तो आज इंस्टाग्राम पे भी तो मैं मिलता हूं आप सभी को फिर से एक और न्यू धमाकेदार गेम वीडियो के साथ तब तक के लिए सी इन द नेक्स्ट गेम प्ले पीस